वो जो एड्रेसेस होते हैं हमारे आईपी के, जो हमारे आईपी एड्रेसेस हैं जो एक स्टेशनरी होस्ट को असाइन किए जाते हैं, वो उस नेटवर्क के लिहाज से जो है वो असाइन किए जाते हैं। जैसे ही नेटवर्क चेंज होगा आपका आईपी एड्रेस भी क्या होगा, चेंज होगा। तो दूसरा प्रॉब्लम, दूसरी जो बात है वो ये है मोबाइल होस्ट की, कि जब आपका होस्ट मूव करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, तो उसका जो आईपी एड्रेस है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, उसका एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है। तो एक तो सिंपल सोल्यूशन ये है कि जो मोबाइल होस्ट है वो अपना, जैसे ही कोई नई नेटवर्क के अंदर जा रहा है तो वो अपना जो है वो आईपी एड्रेस चेंज कर ले। किसकी मदद से? डीएचसीपी की मदद से। ये हम इसका थोड़ा सा, अगर हमें नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला एक आगे क्लास आ रही है तो उसमें डीएचसीपी के देखेंगे कि किस तरह से एक नया एड्रेस जो है वो हमें एक नए नेटवर्क के साथ एक नया आईपी एड्रेस जो है वो किस तरह से मिल जाता है। लेकिन इसके भी ना काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं डीएचसीपी के, जब हम आगे पढ़ेंगे तो तब हमें रियलाइज होगा कि ये कि कॉन्फ़िगरेशन जो है ना हर बार करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हर बार चेंज करना पड़ता है। जब भी सिस्टम आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है और डीएचसीपी के थ्रू जो होस्ट गया है उसको नया आईपी एड्रेस अगर आपने साइन करना है, तो हर मरतबा जो कंप्यूटर या जो मोबाइल एक नेटवर्क से दूसरी दूसरे नेटवर्क में जा रहा है उसको रिबूट करने की ज़रूरत पड़ती है आपको। फिर उसके बाद तीसरा मसला आता है डीएनएस टेबल का, उस डीएनएस टेबल को हर मरतबा रिवाइज करना पड़ता है ताकि जो दूसरे होस्ट इंटरनेट पे वो उसके चेंजेस के बारे में अवेयर हो सके। डीएनएस टेबल को क्या करना पड़ता है, हमें हमें अपडेट करना पड़ता है ताकि जो है वो हमारा जो होस्ट है इंटरनेट के ऊपर, दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो होस्ट हैं, वो चेंजेस के बारे में उन्हें पता लग सके। और अगर होस्ट जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में चला जाए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, अगर एक होस्ट दूसरे नेटवर्क में चला जाए, अगर एक होस्ट दूसरे नेटवर्क में चला जाए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन यानी कि अभी जैसे मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ जूम एप्लीकेशन के थ्रू और यहाँ पे लाइव जो है ऑडियो वीडियो दोनों ट्रांसमिट हो रही है, तो अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं और आप एक नेटवर्क से उठ के दूसरे नेटवर्क में चल जाएँ तो उसका मतलब है कि जो डाटा एक्सचेंज है वो भी इंटरप्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो पोर्ट है, पोर्ट एड्रेस है और आईपी एड्रेस है क्लाइंट और सर्वर में, उसको कॉन्स्टेंट रहना चाहिए कनेक्शन के दरमियान में, और वो तो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। सो इसलिए ये कुछ मोबाइल होस्ट में जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे बचने के लिए ना, इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम दो एड्रेसेस जो है बेटा वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है जी। तो इस अप्रोच में जो है ना हम दो एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं, एक तो होस्ट का जो ओरिजिनल एड्रेस होता है उसको हम फिक्स रहने देते हैं, उसको हम कहते हैं होम एड्रेस, और दूसरा जो हम जब वो होस्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है तो हम उसको कहते हैं कि ये अब उसका जो एड्रेस है ये उसका केयर ऑफ एड्रेस है, ये उसका टेम्परेरी एड्रेस है जिस नेटवर्क के साथ जो यूजर एसोसिएटेड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, वो उसका होम एड्रेस बना दिया जाता है और उसको परमानेंट होम ऑफ द होस्ट कहते हैं। जो केयर ऑफ एड्रेस होता है वो उसका टेम्परेरी एड्रेस होता है, जब एक होस्ट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव करता है तो उसको केयर ऑफ एड्रेस कहते हैं। हम कहते हैं कि सिर्फ केयर ऑफ एड्रेस आपका जो है वो चेंज होगा जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जब और हम उस नेटवर्क को भी नाम दे देते हैं फॉरेन नेटवर्क का। हम उस नेटवर्क को जब एक होस्ट दूसरे नेटवर्क में जाते हैं तो हम कहते हैं अभी ये फॉरेन नेटवर्क में चला गया, होस्ट ये है और इस होस्ट का जो होम एड्रेस है वो ये है और इस नेटवर्क में आने की वजह से इसका जो केयर ऑफ एड्रेस है वो ये मिला। इसका मतलब है कि मोबाइल आईपी में आप दो एड्रेसेस इस्तेमाल करते हो, मोबाइल होस्ट के लिए होम एड्रेस और केयर ऑफ एड्रेस। होम एड्रेस है वो परमानेंट होता है, केयर ऑफ एड्रेस है वो चेंज होता है जैसे जैसे मोबाइल होस्ट आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है। अब ये सारा काम करने के लिए, ठीक है जी, देखिए जब एक मोबाइल होस्ट एक फॉरेन नेटवर्क में विजिट करेगा और उससे केयर ऑफ एड्रेस मिलेगा तो कोई होना चाहिए, दे शुड बी सम यू नो पर्सन टू फैसिलिटेट द मोबाइल होस्ट, जो उसको जो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए और मतलब कि कुछ स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन के फेजेस से गुजरे और उससे बताए कि जो है ये वो बंदा है, उस नेटवर्क से इंट्रोड्यूस करवाए उसे कि ये बंदा है, इसका ये होम एड्रेस ये है, ये परमानेंट एड्रेस इसका ये है और हमने इसे अब जो है एक टेम्परेरी तौर पे फॉरेन एड्रेस जो है वो असाइन करना। तो ये काम करते थे एजेंट्स।
ऑब्वियसली एजेंट कोई पर्सन तो नहीं होगा, डिवाइस ही होगी, राउटर ही होगा। तो एजेंट जो है वो इन एड्रेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, सारों में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए इंटरनेट पे, और हमारे पास दो किस्म के जो है ना, ये इन सारे एड्रेस के चेंजेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमारे पास जो है दो किस्म के एजेंट्स होते हैं। एक फॉरेन एजेंट होता है पर एक होम एजेंट होता है। होम एजेंट की पोजीशन क्या होगी, वो जारी बात है होम नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड होगा, और फॉरेन एजेंट क्या होगा, वो फॉरेन नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड होगा। आगे अगर पिक्चर दिखाई गई, सो होम एजेंट और फॉरेन एजेंट। तो जो हमारा होम एजेंट है, होम एजेंट मैंने जैसे कहा कि ये डिवाइस ही होगी, एक राउटर ही होगा जो कि एक होम नेटवर्क के साथ लगा होगा, जहाँ पे मोबाइल होस्ट के जिस नेटवर्क को हम कह रहे हैं कि ये इसका परमानेंट एड्रेस है, वो हमारा जो होगा, जो डिवाइस कनेक्टेड होगी इसके साथ, वो जो राउटर होगा, वो हमारा होम एजेंट होगा। होम एजेंट क्या करेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ द मोबाइल होस्ट वो बातचीत करेगा। जब भी रिमोट होस्ट कोई पैकेट भेजेगा मोबाइल होस्ट को, जब भी कोई रिमोट होस्ट कहीं से भी कोई भी बंदा उठ के पैकेट भेज रहा है मोबाइल होस्ट को, तो जो होम एजेंट है इट विल एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द मोबाइल होस्ट, और उसे बताएगा कि मोबाइल जो होम एजेंट है वो पैकेट को रिसीव करेगा और फिर फॉरेन एजेंट को भेज देगा। तो यानी कि आप ये समझ लें कि होम एजेंट को पता होगा कि इस टाइम उसका जो जो उसका परमानेंट एड्रेस वाला जो नेटवर्क है, जो उसका यूजर है, वो इस टाइम किस फॉरेन एजेंट के साथ जो है वो इंटरनेट पे कनेक्टेड है। तो कोई भी जब रिमोट होस्ट होगा बेटा, वो रिमोट होस्ट एक्चुअली में पैकेट भेजेगा आपके होम एजेंट को, और होम एजेंट क्या करेगा, होम एजेंट फिर आगे फर्दर जो है वो पैकेट आपका भेज देगा फॉरेन एजेंट को, होम एजेंट को। फॉरेन एजेंट क्या होगा, फॉरेन एजेंट की अगर बात की जाए तो फॉरेन एजेंट हमारा क्या होगा, तो फॉरेन एजेंट भी एक राउटर होगा जो कि फॉरेन नेटवर्क के साथ अटैच होगा। फॉरेन एजेंट जो है वो रिसीव करेगा उस पैकेट को होम एजेंट से और डिलीवर कर देगा मोबाइल होस्ट को, जहां पे भी मोबाइल होस्ट आपका। तो आप समझ लें कि जो मोबाइल हो, अच्छा अब इसमें बात कर, ऐसा भी होता है कि हम अक्सर हमारे माइंड में ख्याल आता है कि शायद फॉरेन एजेंट जो है वो हमेशा राउटर ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जो मोबाइल होस्ट है वो खुद भी एक फॉरेन एजेंट हो सकता है, यानी कि हम दूसरे लफ्ज में ये कह सकते हैं कि मोबाइल होस्ट और फॉरेन एजेंट दोनों एक एक ही हो सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये काम करने के लिए ना मोबाइल होस्ट को जो है वो केयर ऑफ एड्रेस उसका अपना पता होना चाहिए, जो कि जैसे जैसे आप DHCP हम यूज करते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये DHCP वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम यूज करते हैं, तो उसमें फिर हमें पता है कि केयर ऑफ एड्रेस जो उससे मिलना होता है। तो अगर आप अपने मोबाइल को ही मोबाइल होस्ट को ही कह रहे हैं फॉरेन एजेंट, तो फिर उसके लिए उसके पास उसे पता होना चाहिए कि उसका केयर ऑफ एड्रेस क्या है, वो बार बार किस तरह से जो है वो चेंज हो रहा है। तो बार बार चेंज होने पे उसे जो है ये पता होना चाहिए कि अगर वो खुद ही एज अ फॉरेन एजेंट के तौर पे भी काम कर रहा है। तो मोबाइल होस्ट जो है वो फिर उसे उसके अंदर फिर इस तरह के नेसेसरी सॉफ्टवेयर भी हमें करने पड़ेंगे जो कि कम्युनिकेशन करेगा होम एजेंट के साथ, और फिर दो एड्रेसेस अपने लेगा। फिर मतलब कि मोबाइल फोन्स के अंदर ही होता भी ऐसे ही, हमारे जितने भी फोन्स हैं उनके अंदर ही ये चीज़ इनेबल होती है ऑटोमेटिकली, हमें अलग से कोई राउटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो है वो दो एड्रेसेज हमारे पास होते हैं, होम एड्रेस और उसका केयर ऑफ एड्रेस। तो ये जो ड्यूल एड्रेसिंग है ये फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को जो है वो विजिबल होती है। तो जब मोबाइल होस्ट आपका एक्ट करता है एज अ फॉरेन एजेंट, तो फिर केयर ऑफ एड्रेस उसका जो है ना, तो उसकी भी एक टर्म यूज होती है, उसके केयर ऑफ एड्रेस को भी हम कुछ कहते होते हैं, वो आगे चल के बताता है। सो ये एक होम, आप समझ लें कि ये होम नेटवर्क है और एक राउटर है, होम एजेंट के तौर पे इंटरनेट से कनेक्टेड है, फॉरेन एजेंट है और ये एक फॉरेन नेटवर्क है। तो ये पूरी एक डिटेल्ड जो है वो स्कीम है कि किस तरह से होम एजेंट और फॉरेन एजेंट थ्रू द इंटरनेट आपस में जो है वो कनेक्टेड है। तो बड़ा सिंपल सी जो है वो कहानी हो गई कि आपने अपना आईपी एड्रेस फिक्स करने के लिए एक जो है वो एक एजेंट बिठा दिया और उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दी और वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। यानी कि ये बात ऐसी है कि आपका एक मुस्तकिल पता है और एक आपका आरजी पता है। तो अब आपके जितने भी पैकेट्स आएंगे, पैकेट से मुराद आपके पार्सल आएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके मुस्तकिल पते के ऊपर आएंगे। मुस्तकिल पते पे जब चीज़ें कुछ भी आएंगी तो वहां पर
जो भी आपने रिप्रेजेंटेटिव बिठाया होगा, आपसे बता के गए होंगे कि मेरा आभासी पता ये है, मैं रहने वाला हूँ झंग का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं आरजी तौर पर अगर यहाँ पर आया हूँ या मैं आउट ऑफ कंट्री मूव कर गया हूँ, तो मैं अपना मुस्तकिल पता लिखवाऊंगा और मुस्तकिल पता पे जो भी मेरा पार्सल आएगा वो आगे फिर मुझे राउट कर देंगे। तो होम एजेंट की भी कुछ इस तरह से आप कहानी जो है वो समझ सकते हैं। तो ये मैं वो बात बता रहा था आपको कि अगर तो मोबाइल होस्ट और फॉरन एजेंट दोनों सेम है, तो फिर उस केस में जो केयर ऑफ एड्रेस, जो टेम्परेरी एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस को हम केयर ऑफ एड्रेस में बल्कि कोलोकेटेड जो है वो केयर ऑफ एड्रेस का जो नाम देते होते हैं, कोलोकेटेड एड्रेस का हम नाम देते होते हैं। अब रजिस्ट्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। देखिए जब आप बात करते हैं कि आपने परमानेंट एड्रेस एक होम एड्रेस बना लिया, आपका होम एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस बन गया, अब इसके बाद आप मूव कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो वहां जाके किस तरह से फॉरेन एजेंट आपको रिकग्नाइज करेगा, आपको चेक करेगा कि आपका होम एजेंट कौन है और मैंने आपको केयर ऑफ एड्रेस देना है तो किस तरह से मैं आपको साइन करूँ। तो इस ये पूरी रजिस्ट्रेशन की कुछ फेजेज हैं। अच्छा, जो कोलोकेटेड केयर ऑफ एड्रेस है ना, उसका एक फायदा भी होता है वैसे, हमें एडवांटेज होता है, हमें एक फायदा होता है कि जो आप अगर अपने मोबाइल होस्ट को ही फॉरेन मोबाइल होस्ट को एज अ फॉरेन एजेंट के तौर पर एक्ट कराएं और उसी को उसको खुद ही केयर ऑफ एड्रेस आप साइन करें, तो उसका हमें एक फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा ये हो सकता है कि जो होस्ट है इट कैन मूव टू एनी नेटवर्क, वो इस परेशानी के बगैर अब हर नेटवर्क में बड़ी आसानी से मूव कर सकता है कि मुझे किसी फॉरेन एजेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही सारा काम करना है, मेरे अंदर ही इस तरह की एप्लीकेशन सारी जो वो चीज़ें इंस्टॉल पड़ी हुई हैं, तो मुझे इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन नुकसान भी है कि अब मोबाइल होस्ट को आपकी जो है वो एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर एज अ फॉरेन एजेंट के तौर पे इंस्टॉल करना पड़े। अब तो हमारे पास स्मार्टफोन आ गए ना, तो हमें इतना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी DHCP और ये वो सारी चीज़ें पहले से उसमें इनेबल होती हैं। अगर आप अपने वाईफाई की सेटिंग खोल के देखें, उसमें ये सारी चीज़ें पहले से होती हैं, वो खुद ही केयर ऑफ एड्रेस कर रहा होता है और उसे किसी फॉरेन एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। लेकिन ये चूंकि हम बेटा टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी की, हम एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स अच्छी तरह से समझ आ जाए, ये बात कर रहे हैं उस मतलब उस जमाने की, उस दौर की, जब आपके पास जो है वो लेस रिसोर्स वाली डिवाइसेस जो है वो मौजूद होती थी, जिसमें जो डिवाइसेस ज़्यादा रिसोर्सेस को सपोर्ट नहीं कर पाती थी, उसमें फिर ये बड़ा एक मसला होता था कि आप नई हैवी एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करेंगे तो वो फिर रिसोर्स आपकी यूटिलाइज होंगे, तो प्रोसेसर पे जो है वो लोड आएगा, तो इस तरह की कुछ बातें। अच्छा जी, अब जो हमारी ये 3 फेज वाली ये जो बातें हैं, ये क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि आपने अगर रिमोट होस्ट के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो एक मोबाइल होस्ट को 3 फेजेस से गुजरना पड़ेगा। एजेंट फेज, एजेंट डिस्कवरी फेज, जिसमें वो डिस्कवरी करेगा एजेंट की कि मेरा एजेंट कौन है, फॉरेन एजेंट कौन है, उस फॉरेन एजेंट को बताएगा कि मेरा ये होम एजेंट है, मेरी उसके साथ रजिस्ट्रेशन करवा दो, और फिर फाइनली तौर पर लास्ट पे डेटा ट्रांसफर होगा। तो जो पहला फेज है आपका एजेंट डिस्कवरी का, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका जो मोबाइल होस्ट है और जो फॉरेन एजेंट है और जो होम एजेंट है, ये तीनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं पहली फेज में एजेंट डिस्कवरी के अंदर। सेकंड फेज के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है, इसके अंदर मोबाइल होस्ट और आपके ये दोनों एजेंट कम्युनिकेट करेंगे, लास्ट पे डाटा ट्रांसफर होगा थर्ड फेज के अंदर। तो वो जो डाटा ट्रांसफर होगा आपका लास्ट के अंदर, जो आपका डाटा ट्रांसफर होगा, तो इसके अंदर जो है वो हर आपके दोनों होस्ट जो है वो इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्टली डाटा जो है वो ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो अब इनको देख लेते हैं कि किस तरह से इनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन चल रही है, एजेंट डिस्कवरी किस तरह से हो रही है, और फिर उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो रही है और डाटा ट्रांसफर आपका जो है वो किस तरह से चल रहा है। तो बड़े आसान आसान से कॉन्सेप्ट है। पहली जो फेज है मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर एजेंट डिस्कवरी की, इसके अंदर आप समझ लें कि 2 सब फेजेज होती हैं। जो एजेंट डिस्कवरी की फेज है, इसके अंदर 2 सब फेजेज होती हैं आपकी। पहला क्या होगा कि मोबाइल होस्ट है, उसने डिस्कवर करना है, उसने लर्न करना है, मोबाइल होस्ट ने लर्न करना है कि उसका होम एजेंट जो है जाने से पहले, मोबाइल एजेंट जो है वो जाने से पहले ये लर्न करेगा कि मेरा ये होम एजेंट है, ये मेरा होम नेटवर्क है। अब मैंने जब आगे जाना है तो मैंने डिस्कवर करना है एक फॉरेन एजेंट को कि मैं किस फॉरेन नेटवर्क के अंदर आ चुका हूँ।
अब ये जो डिस्कवरी है, ये जो हम डिस्कवरी का नाम दे रहे हैं, ये एक्चुअली ये डिस्कवरी इट इज अबाउट लर्निंग ऑफ द केयर ऑफ एड्रेस और फॉरेन एजेंट एड्रेस। फॉरेन एजेंट का एड्रेस क्या है और मेरा केयर ऑफ एड्रेस है, ये उस चीज का एक्चुअली नाम है जो एजेंट डिस्कवरी है। यानी कि एजेंट डिस्कवरी के अंदर आप दो फेज में ये समझ लें कि पहली फेज के अंदर वो फॉरेन एजेंट का एड्रेस समझेगा और साथ में ही आपका केयर ऑफ एड्रेस के बारे में भी वो देखेगा। तो जो डिस्कवरी होगी इसमें दो किस्म के मैसेजेस आपके होते हैं, एडवर्टाइजमेंट और सोलिसिटेशन मैसेजेस जो है ना इसमें आते हैं, एडवर्टाइजमेंट का, एजेंट सोलिसिटेशन का और एजेंट एडवर्टाइजमेंट का। ये दो फेजेस जो मैंने आपको बताया ना कि इसमें ये वाले दो काम होते हैं आपके, एडवर्टाइजमेंट के और एजेंट सोलिसिटेशन के। तो एजेंट एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, देखिए राउटर जो है वो आपका एडवर्टाइज करता है उस नेटवर्क के ऊपर अपनी प्रेजेंस के बारे में, अपने आप अपने बारे में बताने के बारे में, वो एडवर्टाइजमेंट करता है, एजेंट एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, ये हमने जैसे जो हमने पीछे देखा था ना बेटा ICMP का पैकेट जो जाता है, ये वही कहानी है ICMP पैकेट वाली, कि एक जो प्रेजेंस है, एक राउटर जो है, राउटर एडवर्टाइज करता है अपनी प्रेजेंस को नेटवर्क के ऊपर ICMP राउटर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ICMP का जो पैकेट है उसके थ्रू वो अपनी जो मौजूदगी है वो बताते हैं राउटर के ऊपर, वो नेटवर्क को बताता है अपनी मौजूदगी पैकेट्स के जरिए कि जो है वो मैं यहाँ पर हूँ और मेरा ये एड्रेस है मेरी, मैं मतलब इस तरह करके जो ICMP के जो पैकेट्स हैं वो आपके भेजे जाते हैं एजेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर। राउटर जो है वो एडवर्टाइजमेंट करता है पैकेट्स की। तो मोबाइल IP जो है, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि जो मोबाइल IP है आपका, जो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट करेगा, जो राउटर एडवर्टाइज करेगा पैकेट्स को, वो कोई न्यू टाइप ऑफ एजेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, बल्कि वो वही राउटर एडवर्टाइजमेंट जो ICMP वाले पैकेट्स हैं वो ही इसको इस्तेमाल कर रहा होगा और उसके साथ उसकी टाइप को जो है वो चेंज कर देगा। तो इसमें आगे शायद बताया भी हो कि ये वाला देखिए ये वाला पैकेट है, तो इसमें वो केयर ऑफ एड्रेस अपना और ये सारी फील्ड्स को रख देगा। अब इसमें मुख्तलिफ मुख्तलिफ मीनिंग है इसके, जो ये एजेंट एडवर्टाइजमेंट का जो भी पैकेट जाता है, इस एजेंट एडवर्टाइजमेंट की मुख्तलिफ फील्ड हैं। तो देखें जो टाइप है, ये टाइप वाली फील्ड हमने देखी थी कि ये 8 बिट की फील्ड होती है, और ये फिर उसके बाद ये जो लेंथ वाली फील्ड है ये भी 8 बिट की फील्ड होती है, जो कि टोटल लेंथ आपके मैसेज की डिफाइन कर रही होती है ICMP के पैकेट की। सीक्वेंस नंबर जो है वो आपके ये भी 16 बिट का ही सीक्वेंस नंबर होता है, जो कि मैसेज नंबर को होल्ड करता है, या फिर यूजर ने कौन से वाले मैसेज को लॉस्ट कर दिया उसके बारे में जो है नंबर होता है। इसी तरह से एक फील्ड आपकी लाइफ टाइम की है, लाइफ टाइम फील्ड डिफाइन करती है कि कितने नंबर ऑफ सेकंड्स, कितना टाइम गुजर गया है कि एजेंट जो है वो उसकी रिक्वेस्ट को अभी तक एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया, कितना टाइम गुजर गया और एजेंट ने अभी तक उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर इसकी स्ट्रिंग की वैल्यू, इस डाटा फील्ड की वैल्यू लाइफ टाइम की वैल्यू वन हो जाए, हम कहते हैं कि लाइफ टाइम जो है वो आपकी क्या हो चुकी है, इनफिनाइट हो चुकी है। इसी तरह से आगे कोड वर्ड, कोड वाली एक फील्ड, कोड वाली जो फील्ड है वो एक, वो भी एक फ्लैग ही है समझ लें, जो कि वन या जीरो सेट होगा तो वन होगा और जीरो होगा तो उसका मतलब सेट नहीं किया होगा। तो अब ये कोड वाली जो फील्ड है ना, ये वो टेबल हमें यहाँ पे बता रहा है कि ये इस कोड वाली फील्ड का ये मतलब है कि अगर तो इस में कोड बिट 0 है तो इसका मतलब है कि अभी रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, अगर 1 है तो एजेंट बिजी है और आपकी रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एजेंट अगर 2 है तो एजेंट आपका होम एजेंट है या आपका फॉरेन एजेंट है। तो इस तरह करके हम जो है वो इसको फ्लैग को सेट करते हैं और फिर कोड बिट्स अंदर रखते हैं, तो 0 1 2 3 इस तरह करके रखते हैं। जो फिर आगे जो आखिरी एक फील्ड है केयर ऑफ एड्रेस की, ये केयर ऑफ एड्रेस की जो फील्ड है, तो ये इस फील्ड के अंदर लिस्ट होती है एड्रेसेस की जो कि अवेलेबल होती है कि केयर ऑफ एड्रेस इसमें से कौन सा वाला होगा। तो मोबाइल होस्ट जो है फिर इसमें से चूज करता है, कोई एक एड्रेस को चूज करेगा, यानी कि केयर ऑफ एड्रेस की फील्ड के अंदर आपके लिस्ट ऑफ एड्रेसेस होते हैं जो कि इस टाइम अवेलेबल है, उसमें से फिर आपका जो मोबाइल होस्ट है वो किसी एक एड्रेस को चूज करेगा और वो जो सिलेक्शन होगी केयर ऑफ एड्रेस की वो अनाउंस की जाएगी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के फेज के अंदर। जब रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट होगी ना होम एजेंट के साथ, उसमें फिर आपने जो एड्रेस चूज किया होगा वो फिर आप अनाउंस करोगे होम एजेंट को, बताओगे कि
कि जो है वो मेरा ये, क्योंकि देखिए जब आपने किसी फॉरेन नेटवर्क में जाना है तो फॉरेन नेटवर्क में जाके आप एजेंट डिस्कवरी कर रहे हो, जब एजेंट डिस्कवरी होगी तो आपने होम एजेंट को भी इन्फॉर्म करना, तो वो जो होम एजेंट को हम इन्फॉर्म करें ना उसको हम बेटा नाम दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, हम उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि ये मेरा एड्रेस है और मैं इस टाइम इस नेटवर्क के अंदर हूँ और ये मेरा केयर ऑफ एड्रेस है, उसको हम रजिस्ट्रेशन का नाम दे रहे हैं। तो फिर उसको जो आपने एड्रेस जो भी चूज किया होगा वो एड्रेस आप उस रजिस्ट्रेशन फेज के अंदर जो है वो बताओगे। तो दूसरी जो हमारे पास बेटा ये थी एजेंट एडवर्टाइजमेंट की फेज, एजेंट एडवर्टाइजमेंट की जो कि आईसीएमपी के पैकेट डॉक्टर की तरफ से जाते हैं, दूसरे एजेंट सोलिसिटेशन। सो ये जो एजेंट सोलिसिटेशन है ये क्या है? देखिए जब एक मोबाइल होस्ट एक नए नेटवर्क में चला गया लेकिन उससे अभी भी एजेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली, तो वो एक एजेंट सोलिसिटेशन का पैकेट जनरेट कर सकता होगा, ये भी आईसीएमपी का पैकेट, ठीक है, ये भी आईसीएमपी का पैकेट होगा, लेकिन वो एजेंट को इन्फॉर्म करेगा कि उसे मदद चाहिए, उसे अभी तक जो है वो एजेंट एडवर्टाइजमेंट अभी तक नहीं उसे जो है वो रिसीव हुई। तो इस सोलिसिटेशन पैकेट के बाद जो है वो आपका जो है वो एजेंट एडवर्टाइजमेंट होगी। पहले एक्चुअली हमें डिस्कस सोलिसिटेशन करने चाहिए थे लेकिन खैर, तो ये आपकी पहली फेज है। जिस पहली फेज के अंदर क्या होगा कि जब भी पहली फेज के अंदर सिंपली अगर हम बात करें तो क्या होगा पहली फेज के अंदर, तो पहली फेज के अंदर ये दो स्टेप्स हो रहे हैं आपके बेटा, दिस टू स्टेप्स आर हैपनिंग। पहली फेज के अंदर क्या होगा कि जब भी मोबाइल होस्ट किसी नए नेटवर्क में जाएगा और उससे कोई एजेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली होगी, यानी कि एजेंट उसे अभी तक नहीं मिला होगा और ना ही एजेंट की तरफ से कोई पैकेट आया होगा। एजेंट एडवर्टाइजमेंट से क्या मुराद है, यानी कि अभी आपको जो है वो अभी तक कोई भी नहीं मिला, आपको अभी तक जो है वो कोई भी एजेंट मिला ही नहीं, आपसे किसी ने कॉन्टेक्ट ही नहीं किया, यानी कि ये बिल्कुल इसी तरह से बात है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाके आप बैठते हैं और कुछ खाने लगते हैं तो आपके पास कोई वेटर नहीं आता ऑर्डर लेने के लिए, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं, आप उठते हैं, आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, हेलो, इज देयर एनीवन अवेलेबल, या सेल्फ सर्विस है या क्या है। तो यही काम जब एक मोबाइल होस्ट न्यू नेटवर्क में जाता है और उसे कोई जो है वो एजेंट नहीं मिलता तो वो असिस्टेंस के लिए क्या करता है, आवाज लगाता है। उस वो जो पैकेट भेजता है, वो जो आईसीएमपी का पैकेट भेजता है, जो मोबाइल होस्ट एक पैकेट भेजता है राउटर सोलिसिटेशन पैकेट भेजता है आईसीएमपी का जो है वो, तो वो मोबाइल होस्ट जो हेल्प के लिए पुकारता है उसको हम एजेंट सोलिसिटेशन बाय पैकेट बाय कहते बाय हैं। बाय फिर उसके बाद जो एजेंट नो सोलिसिटेशन पैकेट जो आपका आता है वो वाला पैकेट आपका उसके बाद जो इन रिस्पॉन्स आपका पैकेट आता है वो एजेंट एडवर्टाइजमेंट का पैकेट आता है आपका, वो एजेंट एडवर्टाइजमेंट के पैकेट का फील्ड हमने अच्छी तरह देख ली। अब देखिए यहीं पे बात करूँ अगर मैं पेपर में सवाल देने की, तो मैं आपसे यही सवाल दे सकता हूँ कि सवाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि देखिए एक मोबाइल होस्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव करके गया, अब उसने उसकी अभी तक जो है वो एजेंट डिस्कवरी नहीं हुई, उसकी अभी तक जो है वो उसने एजेंट सोलिसिटेशन का पैकेट भेज दिया, अब एजेंट एडवर्टाइजमेंट होनी है, तो एजेंट एडवर्टाइजमेंट के दरमियान में बताएं वो क्या पैकेट भेजेगा, और अगर ये 5 या 10 एड्रेसेस हैं तो बताएं मुझे कि एजेंट एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में जो आईसीएमपी का पैकेट जाएगा उसमें लेंथ पैकेट्स के अंदर जो डाटा फील्ड्स होंगी वो क्या क्या होंगी, तो फिर आप बताएंगे कि इसके अंदर सर एक टाइप होगी, एक लेंथ होगी, एक सीक्वेंस नंबर होगा, कोड होगा, रिजर्व होगा, केयर ऑफ एड्रेस होगा, केयर ऑफ एड्रेस में 5 5 या 10 10 एड्रेसेज होंगी। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स करने के लिए मैं बता दूंगा कि एजेंट एडवर्टाइजमेंट के दरमियान में जो कोड वाली फील्ड है वो बिजी है, यानी कि एजेंट एडवर्टाइजमेंट के दरमियान में जो रजिस्ट्रेशन है वो एट द मोमेंट एजेंट नहीं कर सकता रजिस्ट्रेशन इस नए यूजर की क्योंकि वो बिजी है। अब उसने आईसीएमपी का पैकेट भेजना, तो बताएं इसमें डेटा फील्ड्स क्या होंगी, तो आप इस लिहाज से फिर अपने डेटा फील्ड्स की जो है वैल्यू सेट करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, ये आपके ऑनलाइन वगैरह पेपर होता है उसमें भी और दूसरे में भी सेम इसी तरह से जो है वो पूछा जा सकता है। अब ये पहली फेज थी बेटा, आई होप कि आपको ये पहली फेज क्लियर हुई होगी। दूसरी फेज जो है वो रजिस्ट्रेशन की फेज है, ठीक है जी। मोबाइल होस्ट मूव कर गया, ठीक है जी, मोबाइल होस्ट अब आपका मूव कर गया है
मूव करने के बाद उसने एजेंट सोलिसिटेशन की और फॉरेन एजेंट ने उसे एडवर्टाइजमेंट भेजी। ये जब घर में था, अपने होम में था, तब उसने कहा कि मैं जो है वो मैंने मूव करना है और मुझे बता दें कि मेरा परमानेंट एड्रेस है, होम एड्रेस क्या, ये वो वाली फेज थी, दरमियान में वो वाली थी। जब वो मूव कर गया तो पहली फेज के अंदर उसने मूव करने के बाद वाली जो एजेंट डिस्कवरी वाली बात है, वो एजेंट डिस्कवरी वाली बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे उसने जो है वो किया, एजेंट सोलिसिटेशन की और एजेंट एडवर्टाइजमेंट होगी। अब एजेंट उसे मिल गया, अब जो होस्ट है आपका वो क्या करेगा, अब आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर्मेट की तरफ, रजिस्ट्रेशन फेज की तरफ जाएंगे। अब जो रजिस्ट्रेशन है बेटा, मोबाइल होस्ट अब फॉरन नेटवर्क के अंदर चला गया है और उसने फॉरन एजेंट को भी डिस्कवर कर लिया है, अब उसने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो चार एस्पेक्ट्स हैं रजिस्ट्रेशन के। एक तो ये है कि जो मोबाइल होस्ट है उसने, वो खुद ही फॉरेन एजेंट हो सकता है या उसने रजिस्टर कर लिया हुआ है, ठीक है। जब वो ये मैं उन एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये उन एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जब उसने फॉरेन एजेंट डिस्कवर कर लिया। जब उसने फॉरेन एजेंट डिस्कवर कर लिया तो चार बातें हो सकती है। ये पहली बात तो ये हो सकती है कि मोबाइल होस्ट को अब फॉरेन एजेंट के साथ जो है वो रजिस्टर कर लेना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि मोबाइल होस्ट को अपने होम एजेंट के साथ, खुद से मोबाइल होस्ट को, आपका जो मोबाइल होस्ट है अब उसे अपने होम एजेंट के साथ, क्योंकि फॉरेन नेटवर्क में चला गया, अब उसे बताना चाहिए अपने होम एजेंट को, होम नेटवर्क को, कि मैं यहाँ पर हूँ। तो ये अमूमन तौर पे जो है ये फॉरेन एजेंट ही करता है, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी होती है कि ये आपका परमानेंट एड्रेस वाला जो होम एजेंट को जो बताता है कि ये वाला मोबाइल होस्ट आपका मोबाइल होस्ट जिसका परमानेंट एड्रेस ये है, ये इस टाइम मेरे इस नेटवर्क के अंदर है। तो ये भी दो बातें हो सकती है, ये भी बात करनी है। फिर उसके बाद मोबाइल होस्ट ने अपने रजिस्ट्रेशन को भी जो है वो रिन्यू करना, बाजू का ये भी हो सकता है कि आप एक फॉरन नेटवर्क में गए, लेकिन अब आप फॉरन नेटवर्क में गए, आप पहले से किसी फॉरन नेटवर्क में थे, अब आप किसी और फॉरन नेटवर्क में चले गए। सो ये भी सिनेरियो आपका हो सकता है कि आप पहले से किसी फॉरेन नेटवर्क के अंदर थे, अब आप किसी और फॉरेन नेटवर्क के अंदर गए, तो अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होगी, पहले वाली एक्सपायर हो चुकी है। ये भी हो सकता है कि जो मोबाइल होस्ट है उसे रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि अब वो क्या हो चुका है, वो अपने होम में आ चुका है। तो ये चार एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब ये किस तरह से करेगा, ये रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई का पैकेट पहले जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट होगी और फिर आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड करेगा, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। सो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जाएगी फॉरेन एजेंट को, फॉरेन एजेंट होम एजेंट को करेगा और फिर वो आगे से रिप्लाई देगा। तो ये आपकी जो रजिस्ट्रेशन वाली जो जो स्टेप है ये वाला आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि रिक्वेस्ट और रिप्लाई वाली फेज में पहले क्या होगा, आप फॉरेन एजेंट से कहोगे कि मुझे मेरे होम एजेंट के साथ रजिस्टर कराया जाए, और फिर मोबाइल होस्ट जो है वो उस रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को और सारी चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करेगा। अब जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जाएगी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जाएगी, इसका फॉर्मेट है रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर्मेट, ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाले आपने याद ने, ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर्मेट। अब ये जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर्मेट है, ये मोबाइल होस्ट भेजेगा, मोबाइल होस्ट से ये फॉरेन एजेंट के पास जाएगा सबसे पहले, और फॉरेन एजेंट को बताएगा, फॉरेन एजेंट से बताएगा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के लिए, कि फॉरेन एजेंट से बताएगा कि उसके केयर ऑफ एड्रेस क्या, और फिर उसके केयर ऑफ एड्रेस को होम एड्रेस, होम एजेंट के साथ होम एड्रेस भी उससे पूछेगा रजिस्ट्रेशन के दरमियान में। जो मोबाइल होस्ट होगा वो फॉरेन एजेंट को बताएगा कि मुझे मेरा जो है वो आप साइन करें, मेरा जो केयर ऑफ एड्रेस है वो साइन करें, मेरा ये होम एड्रेस है और मेरी बात करवा दें आप मेरे होम एड्रेस के साथ, मेरे होम एजेंट के साथ। फिर होम एजेंट क्या करेगा, होम एजेंट फॉरेन एजेंट कॉन्टैक्ट करेगा होम एजेंट को, होम एजेंट को पता लग जाएगा कि ये फॉरेन एजेंट है इस, और यहाँ से आईपी पैकेट आ रहा है और ये इसका जो है वो केयर ऑफ एड्रेस। तो इसका मतलब है कि जो अब आपका आईपी एड्रेस है फॉरेन एजेंट का, वो आपका सोर्स एड्रेस बन जाएगा। जो आईपी एड्रेस है फॉरेन एजेंट का, वो आपका आईपी एड्रेस बन जाएगा। तो अब इसमें पैकेट में क्या क्या फील्ड होंगी, पहली अगर हम इसके पैकेट को देखें तो इस पैकेट में जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो टाइप आ रही है। तो टाइप ये आपकी, ये भी 8 बिट की ही फील्ड है बेटा, ये टाइप ऑफ मैसेज बताती है कि रिक्वेस्ट मैसेज है या ये रजिस्ट्रेशन मैसेज है या रिप्लाई मैसेज है, ये क्या है, ठीक है। तो
इनकी बस टाइप याद रखनी है। मैं जिस तरह की सिचुएशन दूंगा मैं आपसे ये कहूंगा कि मुझे ये पैकेट की फील्ड फिल करके दिखाएं, तो आपने सिचुएशन को देखते हुए उनकी वैल्यू फिट कर देनी है। अगर मैं कहता हूँ कि ये रिक्वेस्ट पैकेट आ रहा है तो आप उस लिहाज से टाइप जो है वो